आपका आर्टिकल टॉप पर रैंक कर रहा है, लेकिन फिर भी वेबसाइट पर ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा है। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। गलत कीवर्ड को टारगेट करना। हो सकता है आपका आर्टिकल ऐसे कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा हो जिनकी खोज वॉल्यूम कम है। भले ही आप किसी टारगेट कीवर्ड के लिए टॉप पर हैं, लेकिन संभव है कि बहुत कम लोग उसे खोज रहे हों। आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे होंगे जो वास्तव में यूजर्स खोज नहीं रहे हैं। उन कीवर्ड्स के पीछे सर्च इंटेंट एनालाइज करें जिन्हें आप टारगेट कर रहे हैं। क्या बायर्स कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ करना सीखना चाहते हैं, या सामान्य जानकारी ढूंढ रहे हैं। कंटेंट डजंट मैच यूजर इंटेंट। भले ही आप रेलेवेंट कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हों, हो सकता है कि आपका कंटेंट वह न हो जो उपयोगकर्ता खोज रहे हैं। हो सकता है कि कंटेंट शुरुआती लोगों के लिए बहुत जटिल हो या ऑडियंस की अपेक्षा के अनुरूप गहराई न रखती हो। तकनीकी SEO समस्याएं। आपकी वेबसाइट में कुछ तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं, जो सर्च इंजन को आपके कंटेंट को पूरी तरह से इंडेक्सिंग करने या उपयोगकर्ताओं को आसानी से उस तक पहुंचने से रोकती हैं। इसमें धीमी लोडिंग समय, मोबाइल के अनुकूल न होना या टूटे हुए लिंक शामिल हो सकते हैं। क्लिक थ्रू रेट की कमी। हो सकता है कि आपका सर्च रिजल्ट स्निपेट, टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन उपयोगकर्ताओं को आपके लिंक पर क्लिक करने के लिए पर्याप्त आकर्षक न हो। यह मजबूत कॉल टू एक्शन का अभाव है। नॉट अ स्ट्रॉन्ग ओवरऑल वेबसाइट। केवल एक आर्टिकल के लिए रैंकिंग करना पर्याप्त नहीं हो सकता है। यदि आपकी वेबसाइट नेविगेट करने में मुश्किल है, क्रेडिबिलिटी की कमी है, या यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस प्रदान नहीं करती है, तो यूजर्स आते हैं और चले जाते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, इस जानकारी को पाकर आप अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।